दोस्त टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे, चैप्टर है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है कि पेंटानोन किस प्रकार का आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्त, पेंटानोन आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। तो आखिर पोजीशन आइसोमेरिज्म ही क्यों सही है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। पेंटानोन है दोस्त, तो हम जानते हैं कि 5 कार्बन के कीटोन को पेंटानोन बोलते हैं। देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। देखिए दोस्त, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फाइव कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेन। तो यहां पर लिखिए पेन। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन, और 2 पर ऑन है तो यहां पर लिख दिए हम 2 और। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया पेंटे 2 और। अब इसी का पोजिशन आइसोमर बनाते दोस्त। अभी देख सकते हैं हम दोस्त कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमारा सेकेंड पोजीशन पे है, उसी कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग थर्ड पोजीशन पे पहुंचाएंगे। तो इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा तो CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3। प्रिंसिपल चलेंगे हमारे दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन, और 3 नंबर पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो यहां पर लिख दिए हम 3 ऑन। यहां पर देख सकते हैं दोस्त, दोनों कंपाउंड के पास कार्बन का संख्या 5 है, यहां पर भी 2 पोजीशन पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर 3 पोजीशन पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है, लेकिन कीटोन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि पॉलीमराइजेशन कराना है हमको पैरा एल्डिहाइड का, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो देखिए दोस्त, पैरा एल्डिहाइड का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं ना तो मोनोमर के रूप में हम लोग फॉर्मलिया लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी फॉर्मलियाइड फुल एचडी में करेक्ट है। अब देखिए दोस्त, ये पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए, ये आपका छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं मोनोमर। और जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर। और मोनोमर का पॉलीमर में बदलना पॉलीमराइजेशन कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। आओ दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्त कि प्रोपियोनल एल्डिहाइड, तो हम लोग जानते हैं दोस्त 3 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोनल एल्डिहाइड बोला जाता है। तो प्रोपियोनल एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर लिखना है हमको। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल आइसोमर इथर होता है,
एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर हमारा कीटोन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर हमारा इस्टर होता है। तो हमको दिया प्रोपियोनाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड का हमको कीटोन वाला फंक्शनल आइसोमर बनाना है। तो हम जानते दोस्त तीन कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोनाल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पर तो CH3CH2CHO तीन कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोनल डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया प्रोपियोनल डिहाइड और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल आइसोमर हमारा कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर हो गया हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और हम देख सकते हैं दोस्त प्रोपियोनल डिहाइड में कार्बन का संख्या तीन है तो एक कार्बन यूज हो चुका है, बचा हुआ दो कार्बन हमारा CH3 के रूप में लिखा गया। तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते कॉमन नेम और यूपेक नेम में प्रोपर नोन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर भी तीन कार्बन है यहाँ पर भी तीन कार्बन है तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम हो गया। लेकिन प्रोपियोनाल्डिहाइड में यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त फॉर्मलिन को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्त फॉर्मलिन आपका क्या होता है, फॉर्मलिन का लैंग्वेज होगी आपका 40% एक्वस 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मलिन। देखिए दोस्त डेफिनेशन हमारा बोलता है कि 40% जल वाला घोल फॉर्मल्डिहाइड का कहलाता है फॉर्मलिन और फॉर्मलिन को हम लोग दोस्त बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कोई भी जीव जंतु मान लीजिए दोस्त वो मर गया डेथ कर गया तो उसको अगर लंबे समय तक आप चाहते हैं कि उसको प्रैक्टिकल के रूप में यूज किया जाए तो उसको एक्वा सॉल्यूशन मतलब 40% एक्वा सॉल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड में उसको रखा जा सकता है ताकि वह लंबे समय तक वह सड़े ना। और दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्त यूपेक नेम लिखिए। सबसे पहले जानेंगे दोस्त यूपेक नेम क्या होता है तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को हम लोग यूपेक नेम बोलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन हो जाएगा हमारा एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन। तो पांच कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। और यहाँ पर देख सकते हैं दो पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है चार पर कीटोन है तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओन लिखते हैं। तो टू पर ओन फोर पर ओन यहाँ हो गया हमारा टू फोर डाई ओन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया आपका पेंटेन टू फोर डाई ओन। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचपी में टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म हो गया।
तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूक मार कहते हैं।